नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए हमने आपका मैथ स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आज आपका चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट होगा। और इस चैप्टर का नाम है आपका प्रायिकता, यानी प्रोबेबिलिटी जो है वो आज आपकी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और वीडियो नंबर 1 रहने वाला है। इसमें इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में पहले हम बात करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास करेंगे, उसके बाद इसके फिर एग्जाम्पल्स, उसके बाद इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को हम आपको डिटेल में कराएंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये आपका चैप्टर नंबर 5 है। और इस चैप्टर में जो चैप्टर का नाम है आप देख सकते हैं, संभावनाओं यानी प्रायिकता की सांख्यिकी तथा दैनिक जीवन में उसके संबंध। तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसे इसकी स्पेलिंग ये होती है, आप चाहें तो इसको लिख लें। तो प्रोबेबिलिटी होती है, तो यानी प्रायिकता के बारे में हम सीखेंगे। तो प्रायिकता में क्या है, दैनिक जीवन में इसका किस प्रकार से संबंध है वो हम सीखेंगे। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, देखिए निम्नलिखित कथनों को देखिए। पहला कथन क्या कह रहा है कि किसी सिक्के को उछालने पर चित्रपट के ऊपर आने की संभावना क्या होगी, इस प्रकार के क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। और दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन पढ़ेंगे, किसी पासे को उछालने पर किसी एक फलक के ऊपर आने की संभावना क्या होगी, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। दो या तीन सिक्कों को एक साथ उछालने वाले क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, और दो पासों को एक साथ फेंकने वाले क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम यहाँ बात करें तो हमको 4 टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हो, ये आपके 4 टाइप से क्वेश्चन हैं, ये आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेंगे। 4 टाइप के क्वेश्चन हैं, ये आपको सभी 4 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। इन्हीं पर आपका पूरा जो चैप्टर है वो आपका इन्हीं पर क्वेश्चनों पर बेस्ड है। तो पहले आप देखेंगे सिक्कों के उछालने का चित्रपट आने की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी, उसके बाद आप पासे को उछालने पर एक फलक के ऊपर आने की क्या संभावना होगी, दो सिक्कों तीन सिक्कों को छालने वाला आपके क्वेश्चंस होंगे, और पासे एक दो पासों को छालने वाले क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम मेनली बात करें तो 4 टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे इस चैप्टर के अंतर्गत देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, देखिए लिखा हुआ है, इन सभी प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन गणित की सांख्यिकी शाखा के अंतर्गत संभावनाओं की सांख्यिकी के रूप में किया जाता है, यानी जो प्रोबेबिलिटी होती है उसके रूप में हम इसको करते हैं। जैसे पहली स्थिति क्या हो सकती है, पहली स्थिति किसी सिक्के को उछालने पर चित्त या पट आने की संभावना के विषय में यह कहना उचित है, यानी चित्त या पट, जैसे मान लीजिए 1 रुपया है, जैसे 1 रुपये का है ये नोट, मतलब ये सिक्का है, और जब सिक्के को हम उछालेंगे तो हो सकता है कि एक बार उस पर चित्त आ जाए और एक बार उस पर पट आ जाए, ठीक है, चित्त आ जाए पट आ जाए। तो इस तरीके से आपका ये हेड हो गया, ये आपका टेल हो गया। तो या तो ऊपर हेड आ सकता है और या एक बार टेल आ सकता है, यानी जो प्रोबेबिलिटी होगी, यानी दो घटनाएं घट सकती हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ घटनाएं, यानी कितनी समष्टि हो सकती है इसकी, 2 हो सकती है। समष्टि बताऊंगा क्या होता है, और यहाँ पर जो आ सकता है इवेंट कितने, 1 टाइम्स इवेंट, यानी चित्त आ सकता है और आपका एक बार ही चित्त आ सकता है, एक बार ही इसका पट आ सकता है। तो वही स्थिति है यहाँ पे जो बन स्थिति बन रही है, इसमें आप देख सकते हो संभावनाएं प्राय बराबर होती हैं। जो इसमें जगह चित्त आने की प्रोबेबिलिटी होगी, जैसे अगर हम यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी यानी पी प्रोबेबिलिटी, ई मतलब इवेंट यानी घटित होने की संभावना, और बराबर में एन नंबर ऑफ इवेंट, ई इवेंट हो गया, और यहाँ से अगर आप नीचे इसके रखेंगे तो नंबर ऑफ एस, एस मतलब समष्टि के लिए रखा जाता है। तो यहाँ पर अगर प्रोबेबिलिटी निकालोगे कि चित्त आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1 होगी प्रोबेबिलिटी आने की, और टोटल कितना है तो 2 है, तो टोटल यानी चित्तपट 2 हो गया, तो 2 हो गई, तो 2 में से एक बार आपकी चित्त आ सकती है, एक बार ही ये पट आ सकती है, यानी जो इनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी यानी वो बराबर होगी एक दूसरे के, यानी 1/2 बार, देखिए 1 बार चित्त आ सकता है 1/2 बार, और 1/2 बार आपका पट आ सकता है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी कैसे होगी, समान होगी। वही ये कह रहा है कि दोनों की जो प्रायिकता होगी वो समान होगी या बराबर होगी, क्योंकि यदि सिक्कों को उछालने पर उसके भार के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के बल उस पर बल काम नहीं कर रहा हो, उछालने वाला निपक्षपाती हो, यानी उसमें कोई भी पक्षपात जैसी चीज ना हो, तो सिक्के के उचित चित्त और पट आने की संभावना सदैव कैसी होगी, बराबर रहेंगी। इसका अध्ययन हम उदाहरणों में देखेंगे। तो उदाहरण जब आपके एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे
तो उसमें इन चीज़ों को बताया जाएगा कि आपका चित्रपट आने की किस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनेंगे और किस तरीके से आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो एक एक बाले का तो मैंने बता दिया, अगर एक सिक्का उछाला जाता है तो एक बार उसके चित्र आने की संभावना, हमने बताया एक एक बट्टे दो संभावना होगी, और उसके पट आने की संभावना एक बट्टे दो होगी। तो टोटल समिष्टि कितना है, दो है, और इवेंट जो हो सकता है घटित हो सकता है वो एक घटित हो सकता है, यानी या तो चित्त आ सकती है या पट्ट आ सकती है, इसलिए एक ऊपर रखा जाएगा। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु को देख लीजिए क्या कह रहे हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कि किसी सिक्के को उछालने पर चित्त या पट्ट ऊपर आने की संभावना बराबर होती है। बता दिया एक बट्टे दो, एक बट्टे दो होती है दोनों की, एक बार चित्त आ सकती है एक बार पट्ट आ सकती है, तो एक बट्टे दो के रूप में चल जाएगी। इसी प्रकार से आगे देखेंगे तो नंबर दो कह रहा है कि किसी समांगी पासे को फेंकने पर उस पर अंकित अंकों की यह बिंदुओं की संख्याएं कितनी होती हैं। यानी देखिए अंक जो यानी जो पासा होता है, पासा पे क्या होते हैं, सिक्स तक अंक होते हैं, वन हो सकता है, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यानी ये अंक लिखे नहीं होते, ऐसे डॉट लगे होते हैं, ठीक है, जैसे वन लगा है, एक जगह दो लगा है, एक जगह तीन लगा है, इस तरीके से एक जगह चार लगा है इस तरीके से, और ऐसे ही एक तरीके से पाँच भी देखने के लिए मिलेगा आपको, पाँच होता है, और इसी तरीके से एक सिक्स वाला एक पोर्शन आपको देखने के लिए मिलता है। इस तरीके जब आपने लूडो खेला होगा तब आपने ये चीज़ देखी होगी कि इस तरीके के आपके पॉइंट्स लगे होते हैं, यानी नंबर्स नहीं होते हैं वहाँ पॉइंट लगे होते हैं, ठीक है। तो संभावना जो उसकी होती है, प्रत्येक के ऊपर आने की संभावना सदैव समान रहती है। किस तरीके से, जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा कि नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ जो यानी जो समिष्टि होगी वो कितनी होगी, सिक्स होगी, क्योंकि सिक्स ही अंक हैं आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो हो सकता है पहली बार में बनाए, ठीक है, अब इसी प्रकार से दूसरी बार में टू आ जाए, तीसरी बार में थ्री आ जाए, ठीक है, तीसरी बार में थ्री आ जाए, या फिर आपका चौथी बार में आपका चार आ जाए, इस तरीके से आपका जो समिष्टि होगी वो इस तरीके से बढ़ रही होंगी, इसी प्रायिकता जो बढ़ रही होगी, एस सिक्स बट्टे सिक्स आ सकता है। इस तरीके से जो हर एक अंक है उसके ऊपर आने की मतलब एक एक बार पॉसिबिलिटी बन सकती है, यानी जो आपका नंबर्स हैं वो आपके समान रूप में यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, यानी ऊपर आने की जो संभावना होगी वो इनमें से किसकी होगी, सभी की बराबर होगी, क्योंकि एक बार एक आ सकता है, दो आ सकते हैं, इस तरीके से आपका, तो इनकी सभी की कैसी होगी, समान होगी। अब देखिए दो या तीन सिक्कों को उछालने पर प्रायः चार ही प्रकार के परिणाम बनते हैं। तो दो सिक्कों को उछालें या तीन सिक्कों को उछालें, तो ये सिक्कों पर डिपेंड करता है। जब आप उछाल रहे होंगे सिक्कों को तो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे दो सिक्के आपने उछाले तो हो सकता है कि उनमें हेड हेड आ जाए, क्या आ जाए, हेड हेड आ जाए, यानी चित्त चित्त आ जाए, और हो सकता है कि हेड और टेल आ जाए, ठीक है, हेड टेल आ जाए, या फिर हो सकता है कि टेली टेल आ जाए, टेली टेल आ जाए, या हो सकता है टेल और हेड आ जाए। तो इसकी टोटल नंबर ऑफ इसकी जो समष्टि होगी वो कितना होगा, चार होगा, और चार में से आप देख सकते हो यहाँ पे हेड हेड आने की संभावना एक रहेगी, हेड टेल आने की संभावना भी यहाँ पे आप अगर देखेंगे हेड और टेल की, तो हेड और टेल की दो संभावना बन जाएंगी यहाँ पे, एक ये रही एक ये रही। तो इस तरीके से इनकी जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो बनती है, देखिए। और तीन सिक्के की होगी तो तीन सिक्कों का आपका जो नंबर ऑफ कितना हो जाएगा, देखिए तीन सिक्कों में क्या हो सकता है कि हेड 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 आ जाए, तीनों पर क्या आ जाए, हेड हेड आ जाए, फिर क्या हो सकता है कि हेड आए हेड आए और फिर टेल आ जाए, ठीक है, फिर हो सकता है कि हेड रहे टेल टेन चल दे, टेन टेल आ जाए, ठीक है। अब इसी के बाद क्या हो सकता है कि टेल टेल आ जाए, टेल टेल तीनों बार, टेल टेल तीनों बार आ जाए, और यहाँ पे टेल टेल दो बार आ जाए, हेड आ जाए, अब यहाँ पर एक बार टेल आ जाए और दो बार क्या आ जाए, हेड आ जाए, ठीक है। इस तरीके से अभी दो पॉसिबिलिटी और बन जाएंगी, जैसे हेड 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 टेल हेड आ जाएगा, और एक पॉसिबिलिटी और बनेगी जिसमें टेल हेड और टेल आ जाएगा, इस तरीके से। इस तरीके से तो आठ नंबर ऑफ जो पॉसिबिलिटी होंगी वो आप मतलब टोटल नंबर ऑफ समिष्टि होगी वो आठ हो जाएंगी, इस तरीके से आपकी बनेंगे। तो ये सभी कुछ मैं बताऊंगा, अभी मैं इसमें शॉर्ट में ही बताना चल रहा हूँ आपको। तो इसमें आपके परिणाम देखने के लिए मिलेंगे, यानी दो सिक्के तीन सिक्के जो होंगे उसके हिसाब से आपके जो परिणाम वेरी करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए दो पासों को एक साथ फेंकने पर प्रायः 36 प्रकार के परिणाम आते हैं। तो जब दो सिक्कों को आप उछालोगे तो उसमें क्या होगा, जो उसमें जो पॉसिबिलिटी जो आपकी बनेगी वो कितनी, 36 टोटल नंबर ऑफ समष्टि बनेगी, वो 36 बनेगी। किस प्रकार से बनेगी, तो देखिए आप लिख सकते हो उसको, जैसे मान लीजिए एक है तो एक के साथ एक आ सकता है, जब दो उछाल रहे हो ना, एक के साथ एक आ सकता है, फिर क्या हो सकता है, एक के साथ दो आ सकता है, दो आ सकता है, इसी प्रकार से एक के साथ आपका तीन आ सकता है, एक के साथ चार आ सकता है, एक के साथ आपका पांच आ सकता है,
और एक के साथ आपका छह आ सकता है, कितना आ सकता है, छह आ सकता है। तो इस तरीके से छह पॉसिबिलिटी तो ये बन गई आपकी, ठीक है। अब इसका थोड़ा साइज छोटा कर ले रहा हूँ क्योंकि ये बनेगा नहीं फिर। देखिए तो इसमें ये छह हो गई, और इसके बाद क्या हो सकता है, दो इससे स्टार्ट हो जाए, दो और एक आ सकते हैं, फिर दो और दो आ सकते हैं, इसी प्रकार से दो और तीन आ सकता है, फिर दो और चार आ सकता है, दो पांच आ सकता है, दो और छह आ सकता है। इसी तरीके से सबको लिख लीजिए, पहले एक एक अंक जैसे तीन का लिख लीजिए, अब तीन का जैसे तीन और एक आ सकता है, तीन दो आ सकता है, तीन तीन आ सकता है, ठीक है, और तीन चार आ सकता है, तीन पांच और तीन छह, ठीक है, ये बन गए। अब चार का पेयर, चार के साथ, चार का बन, चार के साथ बन, चार के साथ दो आ सकता है, चार के साथ तीन आ सकता है, चार के साथ चार आ सकता है, ठीक है, चार के साथ पांच आ सकता है, और चार के साथ छह आ सकता है आपका। नेक्स्ट क्या बनेगी, फाइव वाली बनेगी, तो फाइव के साथ वन आ सकता है, फाइव के साथ टू आ सकता है, फाइव के साथ थ्री आ सकता है। इस तरीके से लिख लोगे तो लिख लोगे पूरी, और फाइव के साथ फोर आ सकता है, नहीं तो भूल जाओगे कहीं ना कहीं, फोर, फाइव के साथ फाइव आ सकता है, और फाइव के साथ सिक्स आ सकता है। इस तरीके से बनेगा। आप सिक्स वाला एक और रह गया, सिक्स के साथ वन आ सकता है, सिक्स के साथ टू आ सकता है, सिक्स के बाद थ्री, सिक्स के साथ थ्री, सिक्स के साथ फोर, सिक्स के साथ सिक्स, और नहीं नहीं फाइव यहाँ पे, और यहाँ सिक्स के साथ सिक्स। अब इनको गिन लो, ठीक है, इनको गिन लो, पता चल जाएगा आपको। अब इनको गिन सकते हो आप, देखिए तो ये छत्तीस हो गए होंगे। तो आप देख सकते हो इसमें सिक्स हैं, सिक्स और सिक्स ट्वेल्व, और सिक्स एट्टीन हो गए, एट्टीन के बाद ट्वेंटी फोर हो गया, ट्वेंटी फोर के बाद थर्टी हो गया, और थर्टी के बाद थर्टी सिक्स हो गया। यानी जो टोटल नंबर ऑफ जो इसकी जब अगर दो पासों को फेंकोगे तो टोटल नंबर ऑफ इसकी जो समष्टि होंगी वो कितनी होंगी, वो होंगी आपकी 36, कितनी होंगी 36। तो आपको हमने गिन के भी दिखा दिया किस तरीके से आपको लिखना है, ये भी मैंने बता दिया है। तो इस तरीके से आप खुद से लिख सकते हो इसको, ठीक है, तो आसानी से मैंने बताया, उसी तरीके से आप आसानी से लिख लोगे, इसे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मैं आपको इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उसके माध्यम से आपको समझाऊंगा, इसको और क्लियर करूंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करिएगा। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया है तो आप एक बार हमसे फिर पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में कहोगे तो मैं उसको आपको समझा दूंगा। पहले तो आप यहाँ समझ गए होंगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने आप प्रयास करा कि आपको अच्छे से समझाऊँ, फिर भी अगर कोई आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम हुई है तो आप जरूर से कमेंट करिएगा, ओके। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।